अगर आपको भी अपने लोकेशन में एक छोटा सा शॉप ओपन करके वहाँ पर पैसे कमाना है, ट्रांजैक्शन करना है, बैंकिंग का करना है, या फिर जो शॉप में CSC में जो सर्विस होता है आप वैसे ही काम करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक ऐसे ही कंपनी के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपने CSC आईडी के लिए अप्रूवल दे दिया है लेकिन आपका जो है अप्रूवल हुआ नहीं है, अभी तक पेंडिंग में है, तब आप ये कंपनी के साथ जा सकते हैं। आपको CSC से भी ज़्यादा सर्विस आपको यहाँ पर मिलता है। कोई भी कंपनी ट्रस्टेड है या फिर नहीं आपको पता कैसे चलेगा? आप वहाँ पर जा सकते हैं MCA में, जो कि मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट ऑफ अफेयर्स की जो वेबसाइट है वहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद BBPS में आप चेक कर सकते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं और कस्टमर का फीडबैक देख सकते हैं। तो ये मैं सारे इस वीडियो में दिखाऊंगा इस कंपनी के बारे में। MCA में भी रजिस्टर्ड है, BBPS भी इसके रजिस्टर्ड है और लीगल डॉक्यूमेंट्स भी इनके वेबसाइट में ही मौजूद है। ये कंपनी की शुरुआत हुई थी 2018 में, सिर्फ 4 सर्विस के साथ यहाँ पर लॉन्च हुई थी, जो अब की बात देखी जाए तो 60 से भी ज़्यादा सर्विस यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कोई भी रिटेलर अपने शॉप अगर नहीं भी है तो घर में भी बैठकर काम करके हर महीने अच्छा इनकम कर सकता है। सो आज के इस वीडियो में आपको डिटेल्स में दिखाऊंगा ये कंपनी क्या है, कौन सा कंपनी है, इसका जो लीगल डॉक्यूमेंट्स MCA में रजिस्टर्ड है कि नहीं और BBPS में रजिस्टर्ड है कि नहीं, मैं सारा डिटेल्स दिखाऊंगा, साथ ही बताऊंगा आपको यहाँ पर सर्विसेज क्या क्या मिलता है। जो 60 सर्विसेज की बात कर रहा हूँ वहाँ पर आपको क्या क्या सर्विस देखने को मिलता है और आपको यहाँ पर ID लेने का प्रोसेस क्या है, इसका कॉस्ट क्या है, और एक बार आप यहाँ पर ID ले लेंगे उसके बाद आपको कमीशन कितना मिलेगा, आप हर महीने कितना पैसा कमा सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में डिटेल्स में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कंपनी का नाम है डिजिटल ग्रामीण सेवा, जो कि 2018 से ही इसका शुरुआत हुआ था, 4 सर्विस के साथ लाइव हुआ था। 2022 के अंदर 60 से भी ज़्यादा सर्विस आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो सबसे पहले इनका वेबसाइट जो है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप वहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे डिजिटल ग्रामीण सेवा .in पर आ जाएंगे। ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। वेबसाइट का इंटरफेस बहुत ही सिंपल है, आपके सामने ये है इंटरफेस, और जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारा सर्विस आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको वीडियो को आखिर तक देखना है, तब जाके आप समझ पाएंगे कैसे आपको यहाँ पर काम करना है, किस तरीके से काम करना है, कैसे आईडी लेना है और आपको इसका जो लीगल डॉक्यूमेंट्स आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो डिजिटल ग्रामीण सेवा का जो सर्विस है, कौन सा सर्विस आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है, साथ ही आप यहाँ पर आईडी कैसे ले सकते हैं, जानने से पहले सबसे पहले हम कंपनी को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए आ जाएंगे गूगल पे। तो गूगल पे आने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना होगा MCA अप्रूव्ड कंपनी, जो कि होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड में देखिए LLP सर्विसेज से आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद चेक LLP नेम। तो ये रहा कंपनी का नेम, आपको इसे कॉपी कर लेना है, इसके बाद यहाँ पर पेस्ट करना है और सर्च। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो है LLP IN नंबर भी आपके सामने है, कंपनी का नेम भी है, और यहाँ पर देख सकते हैं इनकॉर्पोरेशन डेट यहाँ पर 28 सितंबर 2019, लेकिन मैंने तो बताया 2018 से ही शुरुआत किया था। जी हाँ, IMOC डिजिटल सर्विसेज के नाम पर ये 2019 से ही रजिस्टर्ड है, लेकिन डिजिटल ग्रामीण सेवा 2018 से ही आपको सेवा दे रहा है। इसके बाद है नेक्स्ट, BBPS को हम कैसे चेक कर सकते हैं BBPS में रजिस्टर्ड है कि नहीं। इसके लिए भी हम आएंगे गूगल पे और यहाँ पर टाइप करेंगे BBPS, इसके बाद एंटर। पहले ही लिंक आएगा bharatbillpay.com। यहाँ पर जो भी कंपनी रजिस्टर्ड होता है वो BBPS के साथ टाइप है, आपको समझ जाना है। 3 डॉट पे क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पर देखिए स्टैटिस्टिक्स पर आपको क्लिक करना है, नीचे आना है, यहाँ पर है लाइव एजेंट इंस्टीट्यूशंस, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम सर्च करेंगे IMOC, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 280 नंबर पर ही IMOC डिजिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम यहाँ पर मौजूद है। तो ये था कंपनी का डिटेल्स, आपको इस तरीके से चेक करना है कोई भी कंपनी का, अगर आपको चेक करना है उसका डिटेल्स। तो चलिए अब हम बात करते हैं डिजिटल ग्रामीण सेवा का आईडी आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आईडी बनाने से पहले हम इसके सर्विस के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कौन सा सर्विस आपको यहाँ पर मिलता है, ताकि आपको पता चले कि आपको इस सर्विस में क्या क्या लाभ होगा, कितना इनकम हो सकता है, आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि कमीशन के ऊपर ही सारा खेल है। तो सर्विस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला है बैंकिंग सर्विसेज। अगर आपको डिजिटल ग्रामीण सेवा में जुड़ना है तो आप यहाँ पर बैंकिंग सर्विस भी अपने कस्टमर को दे सकते हैं। पहले है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, कोई भी कस्टमर का उसके अंगूठे के थ्रू आप पैसे उठा सकते हैं और उसको पैसे देकर कमीशन जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद है मनी ट्रांसफ़र, किसी के अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करना है कर सकते हैं। कैश डिपॉजिट, वो बंदा खुद आएगा अपने फिंगर दे के कैश डिपॉजिट कर सकता है, हालाँकि आपको यहाँ पर मनी ट्रांसफ़र में थोड़ा सा चार्ज लगता है एज़ कम्पेयर टू कैश डिपॉजिट।
इसके बाद अगर आपको अपनी शॉप में माइक्रो एटीएम, एक छोटा सा मिनी एटीएम रखना है, कस्टमर आएगा एटीएम कार्ड से स्वाइप कर सकता है, अगर आपको वो वाला भी एटीएम चाहिए तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद अगर आपके पास कोई रूम पड़ा है जो कि खाली है, आपका अभी कोई काम नहीं है, तो आप हिटाची का एटीएम वहाँ पर लगा सकते हैं और हर ट्रांजेक्शन पर भी पैसे कमा सकते हैं, या फिर आप रूम रेंट के तौर पर भी दे सकते हैं, जो कि आपको डिजिटल ग्रामीण सेवा के जरिए ही आपको ये मिलेगा। इसके बाद अगर आपको CSP क्योस बैंकिंग चाहिए, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कैश मैनेजमेंट सर्विसेज, अगर आपको लोन रीपेमेंट करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, आधार पे कर सकते हैं। आधार पे का मतलब, अगर आप APS करते हैं कोई भी कस्टमर का, तो 10,000 रुपीज़ एक दिन में विड्रॉल होता है। इसके अलावा जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो आप आधार पे के जरिए करेंगे, यानी कि 10,000 से ज़्यादा अगर आपको करना है तो आधार पे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन डिजिटल अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। कोई भी कस्टमर का अगर आपको अकाउंट ओपन करना है डिजिटली, तो आप यहां पर इस ऑप्शन का यूज करके कर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, UPI ई कलेक्शन, अगर आपको अपनी शॉप का QR कोड जनरेट करना है और अपने कस्टमर से पैसे वहां पर मंगवाना है तो वो भी आप यहां पर कर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड अगर आपको अप्लाई करना है तो कर सकते हैं, लोन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सर्विस है वो है डीमैट अकाउंट ओपनिंग, अगर आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, तो इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है, उसके बाद ही आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है, बिजनेस टू कस्टमर सर्विसेज, यहाँ पर सबसे पहले है मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, वाटर बिल पेमेंट, गैस बिल पेमेंट, म्यूनसिपलिटी बिल पेमेंट, इंश्योरेंस एनरोलमेंट, फर्स्टटैग रिचार्ज, LIC बिल पेमेंट, मेट्रो कार्ड रिचार्ज, ये सारा रिचार्ज बिल पेमेंट आप यहां पर कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है, गवर्नमेंट टू कस्टमर सर्विस, जो कि पहला है आधार अपडेट, कोई भी कस्टमर का उसका आधार कार्ड में OTP जाता है, यानी कि मोबाइल रजिस्टर्ड है, तो आप यहां पर उसका जो छोटा मोटा जो चेंजेस करना है आधार कार्ड में वो कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको अपना शॉप का रजिस्ट्रेशन करना है तो आधार उद्योग की मदद से कर सकते हैं, स्टेट सर्टिफिकेट बना सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। इसके बाद तो नेक्स्ट है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, अगर आपको इसका भी सर्विस यूज करना है तो भी कर सकते हैं, ऑनलाइन चैलेंज पेमेंट कर सकते हैं, पैन कार्ड बना सकते हैं, आधार सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ई श्रम कार्ड अगर आपको अप्लाई करना है तो भी कर सकते हैं, PM किसान सम्मान निधि योजना, लेबर कार्ड और रेशन कार्ड, ये सारा जो गवर्नमेंट सर्विस है आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है GST सुविधा केंद्र, पहला ही आ जाता है GST रजिस्ट्रेशन, कोई भी कंपनी का, कोई भी पर्सन का इंडिविजुअली भी आप यहां पर GST रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसका GST रिटर्न जो हर महीने आप फिलअप करते हैं, आप इसे यहां पर फिलअप कर सकते हैं, TDS रिटर्न करना हो, इनकम टैक्स रिटर्न करना हो तब भी कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है FSSAI, जो कि फूड लाइसेंस, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो भी कर सकते हैं, कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन करना है तो भी कर सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई भी कंपनी में अगर आपको डायरेक्टर या फिर पार्टनर को ऐड करना है या फिर रिमूव करना है तब भी कर सकते हैं, कोई कंपनी का बिजनेस आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिए हैं, उसका जो नाम है बिजनेस का नाम चेंज करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, या फिर उनका ऑफिस का एड्रेस को भी आप यहां पर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट, GST करेक्शन कर सकते हैं, 1-person कंपनी, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या होता है, 2-4 लोगों से काम शुरुआत होता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप एक बंदे हैं और अपना खुद का कंपनी स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आप OPC यानी कि 1-person कंपनी रजिस्ट्रेशन करके काम कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है, 10 रजिस्ट्रेशन भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट जो सर्विस है वो है ट्रैवल का, बस बुकिंग, होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, IRCTC का जितना भी आप यहाँ पर काम करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। तो इतना सारा सर्विस आपको मिल जाता है डिजिटल ग्रामीण सेवा में। तो अगर आपको ID लेना है तो चलिए हम आपको बताते हैं किस तरह से आपको यहाँ पर ID का रजिस्ट्रेशन करना होगा। ID बनाने के लिए आपको इनका ऑफिशियल वेबसाइट में आना होगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए, हम होम पर आ चुके हैं, तो यहाँ पर टॉप में देखिए यहाँ पर लॉगिन है, इसके बाद है रजिस्ट्रेशन, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, बस आपको इसे फिल करना होगा। सबसे पहला है शॉप नेम, या फिर अगर आपके पास शॉप नहीं भी है तो अपना खुद का भी नाम डाल सकते हैं, ओनर नेम यानी कि आपका खुद का नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, स्टेट डालना है, सिटी डालना है, आधार नंबर डालना है, पैन कार्ड नंबर डालना है और शॉप का एड्रेस डालना है। अगर आपका यहाँ पर शॉप नेम की जगह आपने अपना खुद का नेम डाला हुआ है तो आप यहाँ पर अपना खुद का घर का जो एड्रेस है यहाँ पर डाल सकते हैं, क्योंकि जो बंदे के पास अपना शॉप नहीं है, वो शॉप ओपन करना चाहता है आने वाले दिनों में, तो वो अपने घर से भी काम स्टार्ट कर सकता है, इसके लिए अपना घर का एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर 4 तरह का आपको यहाँ पर ID मिलता है। तो अभी आपके मन में आया होगा एक डाउट कि इसमें जो है
चार्ज लगता है या फिर फ्री है? हाँ, चार्ज लगता है, क्योंकि हर एक कंपनी बिजनेस करने से पहले आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट तो करना होता है। बहुत सारे ऐसी कंपनी हैं जो कि आपको फ्री में भी आईडी दे देते हैं, लेकिन फ्री का आईडी लेना और ये आईडी लेना ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, क्योंकि हर एक कस्टमर का फीडबैक और वो कस्टमर कितना काम करता है उसके ऊपर ही कंपनी चलता है। अगर आप कंपनी को ट्रस्ट करेंगे, कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे, तो डेफिनेटली कंपनी भी आगे बढ़ेगा और आपको भी आगे बढ़ना देगा। तो इसके लिए आपको छोटा मोटा जो इन्वेस्टमेंट वो तो करना ही होगा मेरे हिसाब से। तो पहले जो रिटेलर आईडी का कॉस्ट रखा गया है वो है 1180 रुपया, जो कि आप अपने शॉप में खुद बैठकर काम करना चाहते हैं तो ये आईडी आपके लिए बेस्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटर आईडी। डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में आप अपने एरिया में जो भी रिटेलर होते हैं, जो भी शॉप वाले होते हैं, आप उनको जाके बात कर सकते हैं और आपके अंडर आप एज ए रिटेलर उनको ज्वाइन करा सकते हैं और उनका कमाई करने पर आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेना है तो आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना होगा 5,900 रुपया। इसके बाद जो नेक्स्ट मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, जो कि आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक देखने को मिलेगा। अगर आप मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं तो अपने नीचे आप डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर आईडी बना सकते हैं अनलिमिटेड, और डिस्ट्रीब्यूटर का कमाई और रिटेलर का कमाई दोनों को मिलाकर जितना भी आपको कमीशन बनता है आपको मिल जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जोनल हेड, यानी कि स्टेट हेड। आपके स्टेट में जो भी लोग मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर ये आईडी लेना चाहेंगे या फिर उनका जो कमाई होगा आपको जो परसेंटेज मिलेगा आपको मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको जो पेमेंट देना होगा वो है 29,500 रुपया, यानी कि 29,500। तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से आईडी टाइप चूज करेंगे, इसके बाद सबमिट करेंगे तो आपको डिजिटल ग्रामीण सेवा की तरफ से आईडी मिल जाएगा, उसके बाद आप काम कर सकते हैं। अभी मेन बात है आपको यहाँ पर कमीशन कितना मिलेगा और कस्टमर का सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर कौन कौन है। तो जब भी आप कोई भी APS कंपनी में जुड़ेंगे तो वहाँ पर आपका दिक्कत तो होता ही है, लेकिन मेन बात है वो जो कंपनी है आपको सपोर्ट कितना करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 24/7 सपोर्ट, इंस्टेंट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, गेट द रियल टाइम सेटलमेंट। जो भी कस्टमर का पैसा निकाल लेंगे आपके वॉलेट में आता है, उस वॉलेट से आपके अकाउंट में आने तक बहुत दिक्कत होता है काफ़ी सारी कंपनी में, लेकिन ये जो कंपनी है अगर आप इसमें कोई भी दिक्कत आए तो आप इनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इनके नंबर है, इनका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी भी है, और अगर आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारा नंबर मिल जाएगा, इनसे आप डायरेक्टली बात करके अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अभी सबसे मेन बात है आपको यहाँ पर काम करने पर कितना कमीशन मिलता है। तो अगर आपको डिजिटल ग्रामीण सेवा का कमीशन चार्ट डाउनलोड करना है तो इस वीडियो के नीचे मैंने डाल दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, आप जाकर डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो डिजिटल ग्रामीण सेवा में अगर आपको आईडी लेना है तो आप आईडी ले सकते हैं। आईडी लेने से पहले या फिर आईडी लेते वक्त या फिर आईडी लेने के बाद जब भी आपको कोई भी दिक्कत आए, थोड़ा सा भी अगर आपको दिक्कत आए, हमसे सीधे ही कॉन्टैक्ट करने के लिए हमारे जो इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, साथ ही आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा technical.mehir हमारा यूजर नेम है, आप सीधे हमसे मैसेज करके बात कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।